सबसे पहले मैं शाजिया आपसे शुरुआत करूंगा। शाजिया, क्या कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री, क्या संकेत देना चाह रहे थे और क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार कोई नया कानून लाने जा रही है या क्या करेगी? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और जो नीतियों में जो भी बदलाव रहा है वो लगातार, अब ये नवा साल है और लगातार उसमें एक कंसिस्टेंसी है और इसीलिए आप देखेंगे शायद ये पहला मंत्रिमंडल होगा भारत के इतिहास में जिसमें एक भी स्कैम घोटाला सामने नहीं आया है। ये पहले 9 साल रहे होंगे भारत की इस 75वें वर्षगांठ पर ये कहना और 9 सालों को मनाना कि इन आखिरी 9 साल में एक भी मामला प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट से एक भी मामला भ्रष्टाचार का और सामने नहीं आया है। आपकी तरह मैं पत्रकार होती थी। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और उस पत्रकारिता को छोड़कर मैंने अन्ना हजारे आंदोलन जो बहुत ही शुरुआती दौर में था उसका हाथ क्यों थामा, क्योंकि लगा जरूरत है पत्रकारिता, पत्रकार होते हुए रोज आना घोटाले पर घोटाले। यूपीए 2 तो मतलब मुझे लगा कि वो सरकार बनी थी सिर्फ और सिर्फ देश के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको लूटने के लिए। तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है तो हम इसका जिक्र नहीं करते क्योंकि अब दिखता नहीं है। पहले रोजाना ये खबरें होती थी, आज आप लोग क्या खबरें बताते हैं। मैं बल्कि मुझे अफसोस होता है, मैं एंकर जब थी तो मुझे घोटालों की खबरें बतानी पड़ती थी। अब एंकर आप लोग हैं तो मुझे आप लोगों से ईर्ष्या होती है, आप लोग उपलब्धियाँ गिताते हैं तो मुझे थोड़ा आप लोगों से ईर्ष्या होती है कि काश मैं आप लोग की जगह होती तो मैं घोटालों के बजाय उजागर करने के बजाय अपने दौर की सरकार के उपलब्धियों के बारे बताइए आप लोग, अगर मिले तो जरूर बताइए। मेरे एक सवाल का जवाब, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का जवाब दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्रियों से मुख्तलिफ हूं, चाहूंगा कि सभी पैनलिस्ट के पास जाऊं और एक एक जवाब ले लूं, लेकिन क्योंकि आपने कहा है आपको सीधा सीधा एक सवाल है शाजी, एक सवाल है सीधा सपाट सवाल, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार पर बात है तो काले धन की बात होगी। मोदी सरकार ने काले धन को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। पहला फैसला कैबिनेट का था, काले धन पर एक आयोग बनाया गया था। अभी तक देश को यह नहीं पता कि पिछले 8-9 सालों में उस आयोग की वजह से देश में कितना काला धन आया। अगर आपके पास कोई जवाब है तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना काला धन मोदी सरकार में पकड़ा गया। जी, सवाल मुझसे है जी शाजी, आपसे ही। कितना काला धन आया जी? तो मैं आपको बता दूं, एक बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री कितने एसेट्स जोड़े गए, तो मैं आपको, अगर आप पूरी तरह से चाहते हैं कि मैं आपको सब आंकड़ों के जरिए बता दूं तो मैं वो बता सकती हूं आपको, और अगर आप सच में चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो जो लोग हमारे NPA का रेट कितनी, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी जो 11 लाख करोड़ की बात हुई थी, जो नीरव मोदी की बात हुई थी और विजय माल्या की, उनके सारे एसेट्स जोड़े गए हैं और मुझे लगता है 60-70% जो उनके एसेट्स से उसमें जो भी मिले हैं वो सब देश के उसमें आ गए हैं और क्योंकि वो जोड़ लिए गए हैं। लेकिन अब वाकई में अगर इसको लेकर आंकड़े चाहते हैं तो मैं आपको आंकड़े भी दे सकती हूँ, मुझे आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। आप अपना टाइम लीजिए, आप अपना टाइम लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आता हूं, आप लीजिए अपना टाइम, मैं आपके पास आऊंगा, आप बताइएगा। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।